पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में पुलिस लाइन सभागार में HDFC बैंक के साथ किया गया साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा की अध्यक्षता में कार्यशाला में समस्त राजपत्रित अधिकारी व समस्त शाखा प्रभारी के साथ HDFC बैंक के समस्त अधिजीरो कर्मचारीगण रहे मौजूद। साइबर अपराधों से बचने हेतु आम जनमानस को अपने किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी साझा न करने के संबंध में किया गया जागरूक। तारांकन। आज साइबर सेल बांदा द्वारा साइबर जागरूकता का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत पुलिस लाइन बांदा सभागार में HDFC बैंक के साथ साइबर जागरूकता हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर विशेषज्ञों द्वारा साइबर अपराध के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में साइबर अपराध में प्रयोग होने वाले विभिन्न माध्यमों जैसे फोन कॉल फ्रॉड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, ATM एक्सचेंज फ्रॉड व ATM क्लोन फ्रॉड, लॉटरी इनाम के कॉल इत्यादि के लिंक भेजने संबंधित फ्रॉड, गूगल पर गलत हेल्पलाइन नंबर खोजने संबंधी साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई व इनसे बचने हेतु उनके तरीकों जैसे मोबाइल पर प्राप्त OTP को साझा न करने, बैंक ATM विवरण की जानकारी न देने, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे AnyDesk, क्विक स्पोर्ट, टीम व्यूवर, स्क्रीन मिरर आदि अपने फोन में कभी भी इंस्टॉल न करें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करने व ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानियां बरतने के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक बांदा लक्ष्मी निवास मिश्र सहित समस्त क्षेत्राधिकारीगण बांदा व समस्त शाखा प्रभारी एवं HDFC बैंक के क्लस्टर हेड संदीप, प्रबंधक जितेंद्र सिंह, प्रशिक्षक प्रतीक पांडेय और आयुष अग्रवाल आदि मौजूद रहे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। HDFC की बैंक की टीम है, इनके जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं तो इस टाइप चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उसी के संबंध में एक कार्यशाला इन लोगों ने आयोजित किया था। हमारे जितने भी साइबर हेल्पडेस्क जो सभी थानों में हैं उनके सारे कर्मी इसमें शामिल हुए थे, सभी क्षेत्राधिकारी और सभी शाखाओं के प्रभारी इन्वॉल्व थे जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। उनकी हम लोगों ने कार्यशाला कराई, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है क्योंकि आजकल पूरा डिजिटल युग है, इसमें हर आदमी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है। ऐसी स्थिति में इस तरह की कार्यशाला आगे भी होती रहेगी और उम्मीद है कि पुलिस कर्मियों को न केवल अपने लिए अपितु आम आदमी को जागरूक करने में मदद मिले।